जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े अनडिसाइडेड हैं किसी चीज़ को लेके, राइट? ओके पाइसिस पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप लव लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, यू आर लिटिल हार्ट ब्रोकन। मे बी हो सकता है पास्ट में, या हो सकता है अभी आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई आपको रीच आउट करे, और ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समबडी, हो सकता है कोई फेलो वाटर साइन हो, राइट? आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या हो सकता है अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आपके पर्सन भी अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, दो बातें मुझे लग रही हैं, या तो ये अपनी मनी पे फोकस्ड हैं, राइट, या उनकी लाइफ में देयर इज़ समथिंग लाइक बिग हैपनिंग, राइट, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, तो उस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या ये पर्सन इनके इमोशंस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और हो सकता है ये चाहते हैं चीज़ों को बदलना, चेंज करना चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएँ, राइट, और या ये सोचते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। और इन द आउटकम मुझे ऐसा लगता है लाइक साइलेंस अगेन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेंस्ड सिचुएशन, आप लोगों में बात आगे नहीं बढ़ रही, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड यू आर लाइक होपलेस, यू आर लेटिंग गो, वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, आप कभी कभी सोचते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो गए कि शायद मुझे कोई और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, राइट? ये ब्रोकन हार्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों में। ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज इज हैपनिंग आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक थक चुके हैं इमोशंस को होल्ड कर करके। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। करियर वाइज अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर रियली वर्किंग हार्ड, राइट, और आप मे बी हो सकता है अपनी लाइफ में यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, और कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप यू वॉन्ट एवरी थिंग इन लाइफ, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यू आर डूइंग गुड, आई थिंक आप अचीव भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं आप, या मे बी हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, हीलर हो, या कोई ऐसा काम हो जहाँ बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। यस, आप एक स्टडी यू नो स्टेबल करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या यू कह लीजिए उस पर काम कर रहे हैं। यस यू आर, जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप लाइक हीलर हों, डॉक्टर हों, या नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी चीज़ की, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, और आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। यस, मे बी हो सकता है कि आप यू नो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं और आगे भी होंगी, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है, यू नीड टू एक्ट स्मार्ट, राइट? विक्ट्री तभी मिलेगी, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से कट आउट कर देंगे जो आपको लोग बॉदर करते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? सो बी वेयर ऑफ स्नीकी पीपल, और लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, और यू शुड ऑलवेज, जैसे कहते हैं ना, बुल्स आए, बस उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्पेशली मैं पाइसिस पीपल के लिए कह रही हूँ कि अगर आपका माइंड वेवर करेगा, अगर आप सोचेंगे कि क्या कोई सोच रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। तो अपने इमोशंस को होल्ड रखिए, राइट,
अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए, राइट। और आगे मुझे ऐसा लगता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यस, आप चाहे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपको पास्ट में बहुत सी चोटें लगी हैं, बट स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड। और ये बहुत अच्छा जज्बा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि यस, अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए। अगर ये लव रिलेशनशिप है तब भी आपको यू नो बहुत सोच समझ के, पहले भी आया था टू ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट जगलिंग। आप अपने रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं। बी फ्रेंडली विद योर सेल्फ, और सामने वाले के साथ भी फ्रेंडली रहिए, और कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, और अगर हो सके तो सामने वाले के साथ भी फ्रेंडली रहिए, और एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल जाने दीजिए। देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ चीज़ें हैं माइंड में, कोई गिल्ट है, कुछ है, उसको रिलीज़ कीजिए। किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे लोगों को लेके हो, करियर को लेके हो, लव के लेके हो, तो फ्री योर सेल्फ, राइट। एंड जो आपने केज बना लेते हैं कभी कभी, पाइसिस पीपल है लाइक, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कभी कभी ओवर थिंक करते हैं और अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उस चीज़ में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बी लाइक दैट, बी इन दिस एनर्जी। टू ऑफ कप्स, इट्स अबाउट बेसिकली टू ऑफ कप्स, राइट। तो लव फर्स्ट, सेल्फ लव, और फिर उसके बाद आता है लाइक हम औरों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब आप ये सीख जाएंगे टोटली लविंग योर सेल्फ, तो आप फ्री हो जाएंगे अपने आप को, राइट। अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, तो फिर ये गिल्ट भी नहीं रहेगा जो होता है, राइट। सोचते रहना, एक्सपेक्ट करना, ये चीज़ें। और करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप इट्स अबाउट टीम वर्क। आप मिलके काम कर रहे हैं, करते जाइए अपने आप को। लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, और डोंट टेक टेंशन किसी बात की। लाइक एट ऑफ सोर्स, इट्स अबाउट रिस्ट्रिक्ट। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, बाउंड मत कीजिए किसी एनर्जी में या किसी सर्कल में या किसी भी चीज़ में या लोगों के कहने पे। डोंट बाउंड योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।